बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंटरेस्टिंग मार्केट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। हाँ दोस्तों, आज FIA टेस्ट के जो MCQs है असिस्टेंट, UDC, LDC और कांस्टेबल के, आज 16/12/2021 के जो टेस्ट हुए हैं, और ये MCQs जो है ये रावलपिंडी सेंटर्स में हो चुके हैं। तो जितने क्वेश्चन दोस्त ने सेंड किए हैं उसे कॉल कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ऊपर लिखा हुआ है रावलपिंडी सेंटर, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है DVD स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। क्वेश्चन नंबर 3 देखें दोस्तों, ये बताते चलो कि ये 2-3 दिन से जो पेपर्स हो रहे हैं, अगर किसी दोस्त ने इन 3 दिनों के जितने पेपर्स हो चुके हैं उन क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है तो आने वाले पेपर में 70 या 80% यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। OCL स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट कॉन्स्ट्रेंट लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट कॉन्स्ट्रेंट लैंग्वेज। 4 नंबर क्वेश्चन देखे LDA के दो माने हो सकते हैं, लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी भी हो सकता है और लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये दोनों के लिए स्टैंड करता है। अब देखना पड़ता है कि पेपर में कौन सा होता है, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी और लोकल। अगर दोनों हैं तो फिर आपने लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखे, 5 नंबर क्वेश्चन को CD स्टैंड, ये क्वेश्चन तो हर पेपर में तकरीबन रिपीट हो रहा है, कंपैक्ट डिस्क। 6 नंबर PROM, ओम रीड ओनली मेमोरी को कहते हैं, और इसका साथ P लिखा हुआ है तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी यही क्वेश्चन है, EEPROM इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि पी ना हो, EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजिबल रीड ओनली मेमोरी, फिर आपने पढ़ना है। और 8 नंबर क्वेश्चन लिखे, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर 1955-56 में चौधरी मोहम्मद अली जो कि 4th प्राइम मिनिस्टर थे अब पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 9 था कि हु इन्फोर्स्ड फर्स्ट मार्शल ला, 1958 में सिकंदर मिर्जा ने लगाया था पहला मार्शल ला। 10 नंबर क्वेश्चन देखे, हु बिकेम द प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह नहीं है, 1956 के आईन तक पाकिस्तान में कोई सदर नहीं हुआ करता था, गवर्नर जनरल्स थे उस वक्त तक, 4 गवर्नर जनरल्स गुजर चुके हैं जिसमें सिकंदर मिर्जा आखिरी गवर्नर जनरल थे। और जब 1956 का आईन नापिज हुआ तो 1956 के आईन में गवर्नर जनरल के ओहदे को खत्म करके सदर का ओहदा क्रिएट किया गया और सिकंदर मिर्जा 4th गवर्नर जनरल थे, मुल्क के पहले सदर बन गए, मुल्क के पहले सदर बन गए। अब क्वेश्चन नंबर 11, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि वो अगर मैं इस पर ट्राई करूं टाइम वेस्ट होगी। अमेजोन रिवर की डेप्थ कितनी है, अब इसका डेप्थ तो नहीं मुझे पता लेकिन इसकी लेंथ ये है। इसी तरह इसको भी आपने ढूंढना है, पैसिफिक ओशन डेप्थ लिखा हुआ है, ये डेड सी डेप्थ। इन 3 क्वेश्चन को प्लीज थोड़ा सा आपको ट्राई करें क्योंकि इसके डेप्थ जो है ना ये एग्जैक्ट फिगर कहीं भी नहीं है। अगर आप करोगे भी ट्राई करोगे भी तो आपको नहीं मिलेगा, या क्वेश्चन इस तरह नहीं है या पता नहीं क्या, एनी हाउ आप ट्राई करें। 14 नंबर क्वेश्चन, HTML होना चाहिए,
HMTL लिखा हुआ है, HTML, Hypertext Markup Language, इंटरनेट लैंग्वेज है। और 15 नंबर क्लिफॉर्ड जो है ना वर्ल्ड में आपको कहां मिलेगा, इंसर्ट टैब में मिलेगा। 16 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एमएस वर्ल्ड में आप मैक्सिमम कॉलम कितने इंसर्ट कर सकते हैं, 63 तक। 17 नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जो थे जुल्फिकार अली भट्टू थे। और 18 नंबर क्वेश्चन, लोअर हाउस पाकिस्तान, लोअर हाउस नेशनलिज्म को कहते हैं और अपर हाउस सीनेट को कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन जो था दोस्तों, बराक ओबामा ने नोबेल प्राइज 2009 में हासिल किया था। अब ये क्वेश्चन अधूरे हैं, जिस तरह भी हैं इसको थोड़ा सा रीड करो, आपको आइडिया हो जाएगा अपनी तैयारी कैसी करनी है। इसके अलावा एक और पेपर था, HTV स्टैंड्स पर हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, LTV और HT बड़ी गाड़ियां और छोटी गाड़ियां। दो नंबर क्वेश्चन इसमें था, CMOS स्टैंड्स पर कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सीमी कंडक्टर, ये मुश्किल था थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा सा आप ट्राई करें कि कायदे आजम को किसने मोटिवेट किया था कि मुस्लिम लीग को रीअरेंज कर दे, मुस्लिम लीग में शामिल हो जाए। चौधरी मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने उसको किया था, लेकिन ये जरा या तो क्वेश्चन में फर्क मुझे लगा, इसको ट्राई करें खुद। अब ये क्वेश्चन था कि व्हाट 25% और 25% आप 144, 144 के 25% का 50% क्या है, तो पहले क्या करना है, इसका आंसर 9 है। पहले आपने 144 का 25% निकालना है तो उसका होएगा 36 आ जाएगा, फिर 36 का 25% आप निकालोगे तो 9 आएगा, तो इसका आंसर 9 है। मुस्लिम लीग जो था 1906 में, ये क्वेश्चन भी बार बार है, ढाका सिटी में बना था, बार बार रिपीट हो रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन देखे, सूडान कब अरब लीग में शामिल हुआ था, 19 जनवरी 1956 को। और ये है कि मैक्सिमम क्वेश्चन प्रॉम मैथ रेशियो से थे, ये ठीक है, मैथ में रेशियो के बारे में, अलजेब्रा के बारे में पढ़े ये क्वेश्चन थे। क्वेश्चन प्रॉम इंग्लिश प्राइसेस कंप्रीहेंशन, थर्ड डिजर्ट को, थर्ड डिजर्ट कहते हैं किस टाइप का डिजर्ट है, सब ट्रॉपिकल डिजर्ट है। और इसके बाद ये एक क्वेश्चन था, बार कोड जो है ना OCR जो है ये स्टैंड पर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। CD रूम स्टैंड पर कंपैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। और लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान इज इंडस रिवर। स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन प्राविंस, पॉपुलेशन के लिहाज से छोटा सूबा बलूचिस्तान है और एरिया के लिहाज से बड़ा सूबा है। ये क्वेश्चन भी अधूरा है, लेकिन पेज ओरिएंटेशन जो होता है ये एक्सेल में राइट लेफ्ट और सेंटर ये नहीं होता, लेफ्ट टॉप लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट बॉटम ये होता है, लेकिन ये क्वेश्चन भी अधूरा है, इसको जरा इग्नोर ही कर ले। 8 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी अधूरा है, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज सम दिस, ये अधूरा है। ये क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन को जरा देखें, एवरेज ऑफ प्राइम नंबर 5 इंसे है उसका एवरेज 80 है, उनमें से 3 इंसे ये हैं 60 70 और 90, बाकी जो 2 इंसे कहते हैं उसका एवरेज मालूम करें, तो इसका 80 को 5 से दरो दे दो 400 हो गया, टोटल 400 है उसका, तो 400 में से ये तीनों माइनस कर ले, 60 70 और 90 ये 220 है, तो 400 में से 220 माइनस करोगे तो 180 आएगा। अब 180 को 2 पे डिवाइड करो तो ये 90 आएगा इसका आंसर। अच्छा, नेचुरल पोर्ट, नेचुरल सी पोर्ट जो है पाकिस्तान का वो गवादर है। और दिस क्वेश्चन, सम अप ऑल एंगल अराउंड अ मेन पॉइंट इक्वल टू 360 है ये। इसके बाद और कोई क्वेश्चन है कि नहीं, 14 नंबर देखे, ये एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री जो होते हैं उसको ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं।
اور یہ ہے who give first time اذان, پہلی اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے دی تھی. اور اس کے بعد جو کوسچن ہے کہ جہانگیر ترین جو ہے جہانگیر اسکواش کے, یہ اسکواش کے کھلاڑی تھے. اور یہ کوسچن ہے کہ صرف پاکستان کا دوسرا آئین کب نافذ ہوا تھا, 8 جون 2000 کو. اینڈ نیکسٹ کوسچن, ای کامرس کا مطلب ہے الیکٹرانک کامرس, یہ اسپیل کامرس کا اسپیلنگ یہاں غلط ہے. سی ایس ایس اسٹینڈ پر, اب سی ایس ایس کمپیوٹر میں کیس کیڈنگ اسٹائل شیٹ اس کا کمپیوٹر میں ہے, اور عام میں جو سی ایس ایس لوگ کرتے ہیں سینٹرل سپیریئر سروسز. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس سے بہت اور بہت سارے کوشچن تھے, لیکن ان سے آپ کم از کم آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ پیپر کس طرح آتا ہے. اسی طرح سے آپ نے تیاری کرنا ہے. لائک اور شیئر لازمی کریں. تھینک یو فار واچنگ.